Hello everyone, hope you all are doing great. Today we are starting in a different way. Like first time I'm using iPad for teaching. So today's class is about how we should plan our timetable. This class is very important. Why? अभी क्या है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी तो गेट एग्जाम हुआ ही है या सेमेस्टर खत्म हुआ है, लेट अस एंजॉय. ठीक है, तो जब तक आप लोग टाइम टेबल नहीं बनाएंगे या जब तक आप पेपर पे चीज़ों को नहीं लिखेंगे, तब तक आपको रियलिटी पता नहीं लगेगी कि कितना टाइम गेट के लिए चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए जिसको लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है, बाद में स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है. जो लोग अपने फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लाइक आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे आप टाइम टेबल बनाएं. जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम टाइम टेबल जो है बनाते हैं, वो दो टाइप के हमारे हो सकते हैं, दो नहीं बल्कि तीन टाइप के हो सकते हैं. लाइक एक तो है हमारा बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग की, जितने क्लास ग्रेड ए के सब्जेक्ट कितने हैं, ग्रेड बी के कितने हैं, ग्रेड सी के कितने हैं. ठीक है, उसके हिसाब से हमने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर लिया, उनके नाम लिख दिए. ग्रेड ए के सब्जेक्ट हैं उनको हम देंगे 6 से 7 बार करेंगे रिवाइज, या फिर अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है और आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप ए ग्रेड सब्जेक्ट को मतलब 10 times कर लो. एटलीस्ट नहीं बोलूँगा, 10 times इज आई थिंक मोर देन इनफ. 10 times उनको जो है रिवाइज कर लो अगर आप थर्ड ईयर के हैं तो. फोर्थ ईयर के हैं तो ठीक है, फिर भी 5-6 times तो आपको करना पड़ेगा रिवाइज. ठीक है, उसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में. ठीक है, फिलहाल तो ये तो हमारा हुआ लॉन्ग टर्म वाला. अभी एक होता है शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म मतलब क्या है कि लाइक मुझे ऐसे एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, HMT फॉर एग्जांपल. अब मैं HMT का अभी स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा. लाइक इट मे टेक 1 week और 15 days. कभी भी आप अगर आपके पास 100% टाइम है, if you have a time for full day, then never plan only one subject. क्यों? When you will be bored, then you will leave the subject. That's it. तो at least आप parallel में दो subject तो रखो, ताकि क्या होगा, मान लो एक subject कर करके अगर bore हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, we can take second subject, दूसरा subject भी कर सकते हैं. बाकी थोड़ा time pass आएगा तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे tricks मैं आपको दूंगा कि कैसे अपनी बोरियत को भगाना है. ये समझो रामबाण इलाज होगा, बिल्कुल रामबाण. ठीक है, कैसे focus लेके आए और कैसे हम अपनी accuracy को maintain करें, ये सब बातें आएंगी बाद में जब हम पहले start तो करें. लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए लोग उन्होंने अभी कुछ पढ़ना शुरू किया है, बाय द वे. ठीक है, तो ये बातें हो गई. अभी हम देखते हैं कि एक बार मैं ये रिपीट करता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म वाला हमारा चार्ट था बना हुआ, चार्ट जो बनाना है हमें, जिसमें हमें कंप्लीट ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी सब्जेक्ट लिखने हैं, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ दैट चार्ट. सो लेट्स सी. सो लेट्स सी, लेट मी ड्रॉ अ टेबल. सॉरी फॉर इट, भाई फर्स्ट क्लास है तो आपको थोड़ा सा मुझे भी लर्न करना पड़ेगा इसको. धीरे धीरे थिंग्स विल बी स्मूथ. दिस इज चार्ट. ओके, तो मैंने क्या किया, इस चार्ट के 3 हिस्से कर लिए. जस्ट डिवाइडेड दिस चार्ट इनटू 3 parts. ओके, फर्स्ट इज ग्रेड ए सब्जेक्ट एंड दिस इज ग्रेड बी सब्जेक्ट एंड दिस इज ग्रेड सी सब्जेक्ट. ओके, तो ग्रेड ए में जैसा हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज मैथ्स. ग्रेड ए में सबसे पहला मैथ्स हो गया. सेकेंड वन इज FT. ओके, थर्ड इज थ्योरी ऑफ मशीन.
फोर्थ इज स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल, ऑल आर द सेम थिंग. एंड सिक्स सब्जेक्ट इज थर्मो. एक्चुअली थर्मो वैसे देखा जाए तो ग्रेड ए के हिसाब से नहीं है, बट जैसे मैं ग्रेड ए के, जैसे मैं ये आपको बता चुका हूँ ग्रेड ए कितने सब्जेक्ट के कितने नंबर का आता है, ग्रेड बी कितने मार्क्स का आता है, ग्रेड सी कितने मार्क्स का आता है. ग्रेड ए पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं 6 to 8 मार्क्स का आ सकता है, एंड दिस ग्रेड बी इज 4 to 6 मार्क्स, एंड दिस इज अप टू 4 मार्क्स. ओके, अप टू 4 मार्क्स. तो थर्मो 6 to 8 नहीं आएगा, हार्डली मैक्स टू मैक्स 6 आ सकता है, बट मैंने ग्रेड ए में इसलिए रखा है क्योंकि ये इस पे बाकी सब्जेक्ट्स भी डिपेंड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज और सब्जेक्ट के नाम लेट मी टेल यू. हाँ ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स. एट्थ वन इज, ओके एट्थ इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ओके. अब प्रोडक्शन में क्या है, इट इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट. प्रोडक्शन इज लाइक मेटल कटिंग, कटिंग हो गया, ओके देन कास्टिंग हो गया, कास्टिंग, वेल्डिंग एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग. कन्वेंशनल मशीनिंग ठीक है, मटेरियल साइंस. नेक्स्ट वन इज लाइक मशीनिंग ऑपरेशंस. मशीनिंग ऑपरेशंस लाइक लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, ऑल दीज थिंग्स. ओके देन मेट्रोलॉजी. ओके और हम इसमें कह सकते हैं क्या आ सकता है इसमें, और कुछ बचा क्या, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, मेटल फॉर्मिंग. ओके नेक्स्ट इज मेटल फॉर्मिंग. मेटल फॉर्मिंग एक्चुअली जो मेरा चार्ट था वो मैंने खोल के रखा है साइड में, उसमें से आप देख के बता रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट रिमेंबर करना, थोड़ा सा एक एक सब्जेक्ट भूल जाते हैं यार, है ना. चलो तो ये ग्रेड ए सब्जेक्ट हो गए, कैटेगरी ए सब्जेक्ट हो गए, ठीक है. अब ग्रेड बी पे आते हैं. देखो अगर आप 2019 की बात करें, 2019 में क्या था, पावर प्लांट ग्रेड सी हुआ करता था, लेकिन अभी हम उसको ग्रेड बी रख सकते हैं क्योंकि क्या है, पावर प्लांट में बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे चैप्टर्स, नए चैप्टर्स ऐड किए, कंप्रेसिबल फ्लो ऐड किया है, ठीक है. टर्बाइंस तो हैं, स्टीम टर्बाइंस हो गया है ना, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स तो थे ही, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से भी क्वेश्चन आएंगे. और मैंने जनरली ये देखा है कि लोगों को वेलोसिटी ट्रायंगल्स, ठीक है, कंप्रेसर्स, इन सब चीज़ों से क्या डर लगता है. खैर वो जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे, बहुत ईजी होते हैं ना वेलोसिटी, आपको सिर्फ क्या है वेलोसिटी ट्रायंगल और यूलर्स इक्वेशन समझ में आ जाए. How to draw velocity triangles and what is the Euler's equation? ये दो चीज़ समझ में आ गई, then you can do anything. कोई भी ले लो, चाहे आप compressor ले लो, centrifugal हो, चाहे axial flow compressor हो, turbines हो, ठीक है, चाहे वो Pelton wheel हो या वो steam वाली turbines हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है. ग्रेड बी में जो आता है, that is first subject of grade B is, या मैं ऐसा करता हूँ कि लाइक है ना ये 8 है ना, 9 से स्टार्ट करता हूँ. ग्रेड बी का है, 9th इज एचएमटी के बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एमडी. 12 इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है. आरएसी जो है 4 मार्क्स का आता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी 2 का भी रह जाता है, तो मैं उसको सी में रख रहा हूँ, ठीक है. 13 देखो, अगर आपने थर्मो पढ़ ली ना अच्छे से, तो आरएसी तो आप क्या उड़ा ही दोगे. आरएसी आपका फेवरेट, देखो अगर
जिस हिसाब से मैं समझता हूँ, जिस हिसाब से आपको थर्मो पढ़नी चाहिए, अगर वैसी थर्मो आपने पढ़ ली, देन आपके फेवरेट सब्जेक्ट देखो कौन से हो जाएंगे। थर्मो तो हो ही जाएगा ऑफकोर्स, पावर प्लांट हो जाएगा, आईसी इंजन हो जाएगा, ठीक है, आरएसी हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आपके फेवरेट हो जाएंगे। मतलब 15 मार्क्स आपके श्योर हैं, बिल्कुल श्योर हैं, अगर आपने थर्मो अच्छे से पढ़ ली तो, जो कि मैंने अभी स्टार्ट भी किए थर्मो। तो जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल थर्मो का कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप थर्मो में फॉलो करेंगे मुझे तो डेफिनेटली है मैं आपका लेवल वो पहुँचा दूंगा कि आप, आपको जो पावर प्लांट, आरएसी, ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको जस्ट लाइक अ गेम लगेगा, ठीक है, नथिंग एल्स। ओके, 13 इज आईसी इंजन, हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स लोग बहुत बड़ा समझते हैं, छोड़ के जाते हैं गेट में, नहीं ऐसा नहीं करना है। देखो गेट में 2 नंबर का आता है, ठीक है, ग्रेड सी सब्जेक्ट है, छोटा भी है, ठीक, छोटा भी है, बहुत छोटा है हाइड्रोलिक मशीन। अगर हम ठीक से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा अगर हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो हाइड्रोलिक मशीन इज नॉट अ बिग चैप्टर, सॉरी इज नॉट अ बिग सब्जेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, जैसे मैंने उसमें ही बात की पावर प्लांट में, यूलर्स इक्वेशन एंड वेलोसिटी ट्रायंगल, अगर आपने वो सीख लिया तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रोलिक मशीन्स। वेलोसिटी ट्रायंगल अगर ड्रॉ करना सीख लिया तो इधर इट इज टर्बो मशीन्स और इट इज हाइड्रोलिक मशीन्स, दोनों में ये काम करेगा, ठीक है। ओके, 15th, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है इसमें। ओके, एफ एम पावर प्लांट, टॉम सॉम थर्मो, मैथ्स एफ टी, प्रोडक्शन तो हो गया हमारा। ओके, एच एम टी, एम डी, आर ए सी, आई सी, एच एम, हाइड्रोलिक मशीन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो ऐसा आपका चार्ट बना होना चाहिए, और ये चार्ट क्या एक A4 शीट नहीं है, ये बड़ा वाला ही चार्ट है, लेके आओ उसमें मार्कर से लिखो, और इनके आगे देखो, इनके आगे आपको लिखना है, इनके आगे लिखो, ये टिक लगाओ ऐसे ऐसे करके, जस्ट मार्क द टिक्स, जितने बार 3, 3, 6, 7, 8, मैं 8 लगा रहा हूँ मान लो, अगर थर्ड ईयर में हो तो आप 10 लगाओ, और अगर फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में हो तो आपको क्या करना है, 6 बार सफिशेंट है। लेकिन अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, आपने ड्रॉप किया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ड्रॉप किया आपने, तब भी 10 लगाने, ड्रॉपर्स को तो 10 से भी ज़्यादा बार कर दो हो जाए तो, है ना। एप्टीट्यूड का आई विल नॉट रिकमेंड, 10 टाइम रिवाइज करो, ठीक है, 5 टाइम्स मोर देन सफिशियंट होता है, ठीक है, क्योंकि बाकी में तो क्या टेस्ट सीरीज आप दोगे उससे आपको हो जाएगा, ठीक है। टॉम ऑफकोर्स 10 टाइम्स, मतलब ये आ नहीं पाएंगे इसमें, सबके आगे आप क्या 10 टाइम्स लगा सकते हो, ठीक है, इसमें ग्रेड ए में। अब ग्रेड बी की बात करते हैं, ग्रेड बी को 5 बार करना है, 3, 4, 5, ठीक है, 5 बार करना, लेकिन पावर प्लांट पे स्टार लगा देना है, पावर प्लांट पे स्टार लगाना है। 2020 का जो गेट हुआ उसमें क्या हुआ, उन्होंने सिलेबस इंक्रीज कर दिया, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की पावर प्लांट में, तो मे बी उनका फोकस क्या है कि ऐसा है कि पावर प्लांट में जो भी चीज़ें ESC में थी वो सारी की सारी इसमें डाल दी है, मतलब फोकस ये हो सकता है कि वो इसमें से बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो अभी तक ये 3 से 4 नंबर का जो आता था, कभी कभी 2 का भी आता था, वो अब ऐसा ना हो कि ये ग्रेड ए का सब्जेक्ट हो जाए, तो इसलिए इस पर बहुत 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 ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आपने थर्मो पे फोकस कर लिया, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो समझ ली, लाइक हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी ट्रायंगल्स एंड ऑल दैट, तो आपको ये चीज़ बहुत ईजी लगेगी, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है, कोई नहीं। आईसी इंजन ये वाले 3 टाइम्स करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, 3 टाइम्स आपको करने हैं, ठीक है। किसी किसी को मटेरियल साइंस बहुत टफ लगता है, मटेरियल साइंस बहुत टफ लगता है, लगता है कि याद करना है, बिलीव मी, लाइक अगर टाइम मिला इतना या लोगों को डाउट आया, तो अगर मैंने मटेरियल साइंस का कुछ भी डिस्कस किया तो आपको जस्ट एक गेम लगेगा मटेरियल साइंस। सो दिस इज आर गोल, ओके, ये हमारा गोल है। नाउ हाउ टू अचीव दिस गोल, टिल एग्जाम, लाइक टिल गेट, दिस इज माई गोल, सॉरी, ओके,
टिल गेट मुझे ये अचीवमेंट करना है, जितने भी टिक है यहाँ पे मेरे को यस 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 के साइन मारने, ठीक है ओके। अब इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ ये बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, जिसे हम बोल सकते हैं हमारा टाइम टेबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो नेक्स्ट वन मंथ का प्लान करता हूँ कि मेरा ये सपोज करो अप्रैल, जैसे मैं अप्रैल की बात करता हूँ, 30th अप्रैल तक का प्लान कर लेता हूँ, ठीक है। तीस अप्रैल तक का मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को कौन कौन सब्जेक्ट करना है। सपोज मेरा ये प्लान है कि मैं भाई एचएमटी हो गया, ठीक है, सेकेंड इज थर्मो। कोशिश ये करो सेम फील्ड के हों तो क्या होगा ना, सेम फील्ड के सब्जेक्ट्स लेने में ही रहेगा कि चलो मैंने थर्मो स्टार्ट किया तो एचएमटी कंसेप्ट उसमें मिल जाएंगे, तो एचएमटी मेरे को इजी समझ हो सकता है। या जैसे एचएमटी में तो ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन मान लो थर्मो के साथ साथ अगर मैं आईसी स्टार्ट कर रहा हूँ, आरएसी स्टार्ट कर सकता हूँ अगर आपका वो सब्जेक्ट हो चुका है तो। बाय द वे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई और भी कर सकते हो, बट जो बेस सब्जेक्ट हैं पहले वो हो जाना चाहिए, तभी उसका एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करना है। जैसे एमडी मशीन डिज़ाइन बिना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किए मत करने बैठ जाना, ठीक है ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मतलब 30 मई, सपोज आज है, आज मैं आज 1 अप्रैल मान लेता हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल 1 to 30 अप्रैल मैंने 1 महीने का शेड्यूल बनाया। मैंने टारगेट ये रखा कि मेरे को एचएमटी थर्मो प्लस थर्ड इज मेरे को एटलीस्ट मैथ्स का, भाई मैथ्स में कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा अगर मैं 2 आवर्स दे रहा हूँ तो, 2 आवर्स दे रहा हूँ तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ठीक है फिर भी अगर मैं मान लो मैं कुछ और नहीं रखता हूँ, मेरा टारगेट है ये 3 सब्जेक्ट मेरे को ख़त्म करने हैं, ठीक है ओके। तो 30 अप्रैल तक मेरे को 3 सब्जेक्ट करने हैं ख़त्म। अब इन 3 सब्जेक्ट मेरे पास 30 डेज हैं, आई हैव 30 डेज। अब इसको मेरे को प्लान करना है कि मैं कितना कितना घंटा इनको पढ़ूं ताकि ये मेरा ख़त्म हो जाए, तो जिसे हम बोलते हैं डेली टाइम टेबल। ये तो मेरा हो गया एक मंथली का, मैंने चिपका के रख दिया ये 3 सब्जेक्ट मेरे को ख़त्म करने हैं, इनके आगे डेट लिख दी, डेडलाइन लिख दी 30th अप्रैल, ठीक है, ये 30 तक, ये 30 तक मेरे को ख़त्म करने हैं। ये मेरा मंथली शेड्यूल हुआ मंथ का फॉर अप्रैल मंथ। अब मैं इनको अचीव करने के लिए डेली क्या करना पड़ेगा, अब डेली जो करना पड़ेगा मान लो सपोज जैसे मैंने रख दिया कि मॉर्निंग में मेरा जैसे होता क्या है ना, कभी भी सोने जब आप खाना खाने के बाद क्या होता है, थोड़ा ड्रॉजीनेस आता है, ठीक है, लेजीनेस फील करोगे, तो कभी भी उस टाइम पे आप ट्रिकी चीज़ को मत रखो, उस टाइम पे ऐसी चीज़ रखो जो आपको सिंपल लगती है थोड़ी, ताकि देखो सिंपल चीज़ होगी अगर आपको सॉल्व करोगे तो वो चीज़ें अगर आपसे हो जाएंगी, चीज़ें होती जाएंगी तो उसमें क्या होता है जो है कॉन्फिडेंस आता है। तो इवन जो आपको स्लीप आता भी होगा खाने के बाद थोड़ा सा लेजीनेस फील करोगे वो भी भाग जाएगी, निकल जाएगी। और ऐसा सब्जेक्ट जो आपको नई चीज़ स्टार्ट करो, आपको नहीं पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी, जो फोकस की रिक्वायरमेंट है, तो उसको उस टाइम पे रखो जिस टाइम पे आप एनर्जेटिक फील करो। लाइक जैसे कोई है सुबह सुबह उठ के उठे अपने सुबह के टाइम में रख लो, ठीक है, या किसी को रात में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल हाई हो, बट अवॉइड आफ्टर टेकिंग फूड, फूड लेने के बाद में जब पढ़ने बैठो तो उस टाइम पे ईजी चीज़ रखो, नहीं तो आप पक्का है लेजीनेस लाओगे, या तो सोओगे या फिर आप क्या है फिजिकली प्रेजेंट होगे, मेंटली कहीं और होगे, ठीक। तो अब जो टाइम टेबल बोलते हैं उसको क्या है डेली वाले की बात में कर रहा हूँ, भाई एक दिन को आप सुबह से लेकर रात तक कैसे प्लान करोगे। आप इसको क्या कर सकते हो कि आज सुबह उठ के, मान लो मैं सुबह उठ के या आज रात में जाऊँगा तो मैंने दिमाग में अपने प्लान कर लिया कि भाई सुबह सुबह ये करना है, तो दिमाग में प्लान है, ठीक है, आप क्या करो पेपर पे ही लिख लो उसको, ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हो। दूसरा ये कि आप क्या करो पहले ही डिफाइन कर लो कि मेरा फिक्स रहेगा शेड्यूल डेली का, जैसे मान लो मॉर्निंग में किसी को 3 आवर्स, मतलब 3 आवर्स स्टार्टिंग में मॉर्निंग में किसी को देना है, सपोज वो 7 बजे उठ गया, ठीक है, नॉर्मल आदमी 7 बजे उठ ही जाएगा जो अगर तैयारी कर रहे हैं, 7 से 10 मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं आपको ये फॉलो करना है, मान लो 7 से 10 मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ आज रात में सोने जाने से पहले कि सुबह मैं ऐसा प्लान करूँ, या मैं पूरा मंथ का प्लान कर रहा हूँ भाई 7 से 10 मॉर्निंग में, 7 से 10 मैं करूंगा अपना एचएमटी, ठीक है ओके। फिर
मान लो जिसको जो जितना भी टाइम देना है ठीक है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि भाई 3 घंटे मेरा HMT हो गया, 3 आवर्स में दूंगा अपना थर्मो को। मैं टाइम नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि सबका अपना अपना होता है, किसी को सुबह लेट उठने की हैबिट है, किसी कोई क्या होता है रात में 4 बजे सोता ही है, 2 बजे सोता है रात में, तो सुबह कैसे उठ जाएगा 7 बजे। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से देख लो भाई डेली का शेड्यूल बना के। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप क्या करो, पूरे मंथ का फिक्स शेड्यूल बना लो, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो ऐसे ये लिखने का मुझे नहीं लगता कुछ फायदा है ऐसे, क्योंकि आप अपने अपने हिसाब से पूरे दिन का एक शेड्यूल फिक्स कर लिया पूरे मंथ तक, इसको क्या करो कॉपी करो, और जैसे मंथ में आपको 30 डेज में करना है तो उसके हिसाब से दिन का आपका नंबर ऑफ आवर्स भी डिफाइन करो उसी हिसाब से ही। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि 30 मेरा जो टाइम है मैं अच्छा खासा पढ़ रहा हूँ कि मेरा जल्दी हो जाएगा 30 अप्रैल से, तो एज्यूम इट एज बोनस। ठीक है, बोनस आपने खुद को बोनस दे दिया। ओके, और अगर ज़्यादा जल्दी हो जा रहा है तो मतलब कि आपने प्लानिंग करने में रॉन्ग कर दिया, कि यहाँ पे और सब्जेक्ट को डालना चाहिए था, कम सब्जेक्ट लिए, और ज़्यादा सब्जेक्ट डालना भी नहीं है, ऐसा नहीं ज़्यादा डाल दिए, ज़्यादा डाल दिए तो मतलब हो नहीं पाएगा, फिर क्या है एक बार ऐसा हुआ सेकेंड टाइम ऐसा हुआ तो क्या होगा, आपका फिर मन भी ऐसे ले लोगे फॉर ग्रांटेड, अरे ठीक है यार टाइम टेबल कौन सा को फॉलो होता है, टाइम टेबल बनता ही फॉलो नहीं होने के लिए, कुछ लोग बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या है कि मेरा दिमाग में रहता है नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, अभी ये सब्जेक्ट करना है, मान लो मेरा अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट अभी रहेगा, नहीं यार कल नहीं कर पाए आज तो करेंगे ही करेंगे, उसके सहारे से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आई थिंक अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, अभी थर्मो का सीरीज चल रहा है और मैथ्स का भी मैं चल रहा है, अभी क्या है ऑफिस पे थोड़ा बहुत ज़्यादा लोड आ चुका है बिकॉज ऑफ कोविड, कोविड की वजह से मैन पावर डाउन होती जा रही है, तो जो बच्चे खुचे हैं उनके पास लोड बढ़ रहा है, तो ठीक है नॉर्मल होंगी चीज़ें, वी कैन होप फॉर दिस, तो इसके लिए बस होप ही कर सकते हैं। तो जैसे ये चीज़ें ठीक ठाक होती मैं क्लास लेने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊँगा।